सावन में जरूर करें इस मंदिर के दर्शन। यहां होती है भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा। क्या है इस मंदिर की महिमा? भारत देश में यूं तो देवों के देव महादेव के वैसे तो बहुत मंदिर हैं, लेकिन इन्हीं मंदिरों में से एक शिव मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। आपको बता दें कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित अचलेश्वर मंदिर दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। आपको बता दें कि ये मंदिर अचलगढ़ में सन 813 ईस्वी में अचलेश्वर महादेव का मंदिर निर्मित किया गया था। बता दें कि इस अचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ के रूप में विराजते हैं और शिवरात्रि और सावन के महीने में भगवान के इस रूप के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं माउंट आबू को अर्धकाशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के करीब 108 मंदिर मौजूद हैं। वहीं स्कंद पुराण के मुताबिक वाराणसी शिव की नगरी है तो माउंट आबू भगवान शंकर की उपनगरी। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही पंच धातु की बनी नंदी की एक विशाल प्रतिमा है जिसका वजन 4 टन है। वहीं मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पाताल खंड के रूप में दिखता है। वहीं इसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये देवाधिदेव महादेव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पारंपरिक मान्यता है कि इस अंगूठे ने पूरे माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है। जिस दिन अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा माउंट आबू का पहाड़ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मंदिर के परिसर के विशाल चौक में चंपा का विशाल पेड़ अपनी प्राचीनता को दर्शाता है। मंदिर की बाईं तरफ दो कलात्मक खंभों का धर्म काटा बना हुआ है जिसकी शिल्प कला अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र के शासक राज सिंहासन पर बैठने के समय अचलेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म कांटे के नीचे प्रजा के साथ न्याय की शपथ लेते थे। मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में जहां आज आबू पर्वत स्थित है वहां नीचे विराट ब्रह्म खाई थी। इसके तट पर वशिष्ठ मुनि रहते थे। उनकी गाय कामधेनु एक बार हरी घास चरते हुए ब्रह्म खाई में गिर गई तो उसे बचाने के लिए मुनि ने सरस्वती नदी का आवाहन किया तो ब्रह्मखाई पानी से जमीन की सतह तक भर गई और कामधेनु गाय गोमुख पर बाहर जमीन पर आ गई। एक बार दोबारा ऐसा ही हुआ। इसे देखते हुए बार बार के हादसे को टालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने हिमालय जाकर उससे ब्रह्मखाई को पाटने का अनुरोध किया। हिमालय ने मुनि का अनुरोध स्वीकार कर अपने प्रिय पुत्र नंदी वज्रधन को जाने का आदेश दिया। अर्बुद नाग नंदी वज्रधन को उड़ाकर ब्रह्मखाई के पास वशिष्ठ आश्रम लाया। आश्रम में नदी वज्रधन ने वरदान मांगा कि उनके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रय होना चाहिए और पहाड़ सबसे सुंदर और विभिन्न वनस्पतियों वाला होना चाहिए। इस पर वशिष्ठ ने वांछित वरदान दिए। उसी प्रकार अर्बुद नाग ने वर मांगा कि इस पर्वत का नामकरण उनके नाम से हो। उसके बाद से ही नंदी वज्रधन आबू पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। वरदान प्राप्त कर नंदी वज्रधन खाई में उतरा तो धंसता ही चला गया, लेकिन नंदी वज्रधन का नाक और ऊपर का हिस्सा जमीन से ऊपर रहा जो आज आबू पर्वत है। इसके बाद भी वो अचल नहीं रह पा रहा था तब वशिष्ठ के विनम्र अनुरोध पर महादेव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे पसार कर इसे स्थायी यानी अचल कर दिया। इसके बाद ये अचलगढ़ कहलाया। तभी से यहाँ अचलेश्वर महादेव के रूप में महादेव के अंगूठे की पूजा अर्चना की जाती है। इस अंगूठे के नीचे बने प्राकृतिक पाताल खड्डे में कितना भी पानी डालने पर खाई पानी से नहीं भरती। इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहा जाता है ये आज भी एक रहस्य है।